अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे जी, मज़े में होंगे। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों का रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा और लास्ट अशरा भी आप लोगों का इंशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरेगा। बहुत सी दुआएं करिएगा अपने लिए भी और अपने साथ मेरे लिए भी, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो आज का व्लॉग बस मैं रिकॉर्ड नहीं करना चाह रही थी, बहुत सुस्ती थी इफ्तारी के बाद, बस ऐसे बहुत जल्दी तबीयत हो जाती है और बस ना करते करते फिर मैंने सोचा चलो कैमरा ऑन कर ही लेते हैं यार। और हम लोग जा रहे थे यूनिफॉर्म लेने, तो फाइनली हमें शॉप मिल ही गई B&G हाउस ऑफ यूनिफॉर्म। यहाँ से हमने यूनिफॉर्म लिया और बस यहाँ पर सिलेक्शन हो रही है, साइज़ सेलेक्ट कर रहे हैं हम लोग कौन सा साइज़ चाहिए हमें। घर से बाहर जाएं आप लोग, ग्रॉसरी करने जाएं आप लोग, शॉपिंग करने जाएं, खाए बगैर आप लोग वापस आ जाएंगे पॉसिबल ही नहीं है, ख़ास तौर पर जब आप लोग ख़वातीन के शाना बशाना हो। तो यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि आप लोग जब बाहर आएँ तो आप मलक खलील साहब की जो चाँप है वो ट्राई किए बगैर मत जाएँ, क्योंकि इसकी यूनिक बात यह है कि इस पर जो गर्द गुबार का ऐसा तड़का लगा होता है उसका ऐसा मज़ा आता है ना कि जो टेस्ट आपको कहीं से भी नहीं मिल पाएगा। तो आपने मलक खलील की जो है चाँप ज़रूर ट्राई करनी है। इस भाई साहब बहुत ही लजीज चाँप बनाते हैं, ऊपर जब सब्ज़ मिर्चें आप एक एक बाइट के साथ लेते हैं तो आपके एक एक बाइट के साथ दिल गार्डन गार्डन ना हुआ तो आप मेरा नाम बदल के पुष्पा रख देना, ठीक है। यहाँ पर आप और जब साथ में ये जो कोक है, ये शीशे वाली जो कोक मिलती है स्ट्रॉ मार के, इसका 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 भी जो वो है ना स्पार्क अलग है। यहाँ पर हम लोग वापसी जा रहे हैं, मैं दिखा रही हूँ कि यहाँ पर टेबल शेबल लगी हुए हैं, ढाबा सा बनाया हुआ है इन्होंने, लेकिन फैमिली भी आती है भाई हमारे। वहाँ पर खाते खाते दो तीन गाड़ियाँ और भी आई थी और वो फैमिली की थी, लोग फैमिलीज़ के साथ आ रहे थे। और इसका बहुत चलता है यहाँ पर, मैंने इसका बोर्ड दिखाऊंगी और ये एरिया आप लोग जान ही जाएंगे, जो सियालकोटी हैं वो जान जाएंगे इस एरिया को। तो ये इनका बोर्ड लगा हुआ है मलक खलील चाँप फ्रोश। और जनाब मज़े की बात कि इनका तंदूर भी बैग पर है और ताज़ी रोटियाँ लगा के देते हैं ये गर्मा गर्म। और सबसे अच्छी बात ये इनकी है कि ये प्लास्टिक की रोटी नहीं देते यार, ये बिल्कुल आटे घर वाले आटे की रोटी और नरम और खस्ता रोटी होती है। प्लास्टिक की रोटी जो आप रबड़ बन जाती है भाई, ये वो रोटी नहीं है। सबसे अच्छी बात, सबसे मज़े की बात। और यहाँ पर जनाब हम लोग अब जा रहे हैं वी मॉल जाएंगे और वहाँ पे शॉपिंग का बिल्कुल कोई इरादा नहीं है। हम लोग ब्रांड्स के साथ बायकॉट कर चुके हैं, हमारी उनके साथ कुट्टी हो गई है क्योंकि इन्होंने बहुत ही चवल मार दी हुई है। इन्होंने जो लास्ट ईयर दिए थे सूट के 7-8 हज़ार के, वो ये अब लोग दे रहे हैं 20-20 हज़ार के। और सबसे मज़े की बात कि आपके दिल को भी नहीं लगेंगे, आपको पसंद भी नहीं आएंगे, इतने बुरे प्रिंट्स निकाले हुए हैं। मैं भी मुझे आप लोग बताएं यार, कहीं कोई अच्छा मिल जाए, रिजनेबल मिल जाए तो मुझे वो आपने पेज ज़रूर टैग करना है कमेंट सेक्शन में। ओके हम लोग पहुंच चुके हैं मीकॉन्ग, तो यहाँ पर बेटे को चाइनीज़ बिल्कुल नहीं पसंद, उसको चाहिए फ्राइज, टेंडर पॉप्स, नगेट्स, बस यही चीज़ें चाहिए। तो वो कह रहा था कि भाई मैं क्या देखूं मेन्यू में, मेरे लिए तो कुछ है ही नहीं। तो हम आए थे यहाँ पर स्पेशल प्रॉन्स ट्राई करने, फ़र्स्ट टाइम यहाँ से ट्राई करेंगे, इससे पहले हमने बहुत सी जगहों पे ट्राई की हैं। लास्ट वीडियो, लास्ट व्लॉग है मेरा यहाँ, सेकंड लास्ट व्लॉग है जिसमें मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने सिल्वर स्पून के चाउमिन प्रॉन्स वाले ट्राई किए थे, जिसमें से जब वो इतनी मील दूर था वहाँ से स्मेल आना शुरू हो गई थी। तो ये भी किसी किसी के पास ट्रिक्स होते हैं, किसी किसी को अक्ल होती है प्रॉन्स की स्मेल किस तरह आपने ख़त्म करनी है। तो आपने अगर प्रॉन्स ट्राई करने हैं, जंबो प्रॉन्स हैं, अगर चाउमीन प्रॉन्स हैं, अगर सूप पीना चाहते हैं प्रॉन्स वाला, पसंद करते हैं प्रॉन्स को, तो आप पूरे सियालकोट में कहीं भी आपको अच्छे नहीं मिलेंगे, सिर्फ एक जगह है और वो है मीकॉन्ग। अब मीकॉन्ग का सूप ट्राई करें, अब मीकॉन्ग के प्रॉन्स ट्राई करें, जंबो प्रॉन्स ट्राई करें, आप कहेंगे वाकई आपने कोई चीज़ जो है वो सजेस्ट की है, ठीक है?
When everybody wants to be king, yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns. ओके जी, मेकोंग विंडो साइड पर बैठने का हमें एक नुकसान ये भी हुआ कि सामने ही एडवेंचर वर्ल्ड नज़र आ रहा था और अनस भाई ने ज़िद पकड़ ली कि अब हमने वहाँ जाने ही जाना है। तो वॉकिंग डिस्टेंस पर ही था तो पैदल ही निकल गए हम लोग। और ये जनाब एडवेंचर वर्ल्ड हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ पर टिकट्स वगैरह ली, बस क्लोजिंग ही चल रही थी, बच्चे बाहर निकल रहे थे, लास्ट हम लोग ही थे, इसके बाद उन्होंने क्लोज कर देना था। टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया हुआ था और बहुत अच्छा बनाया हुआ है, छोटा है लेकिन अच्छी चीज़ें इन्होंने रखी हुई हैं अंदर। सियालकोट जो सिंधबाद है उससे तो बहुत ही बेहतरीन बनाया हुआ है इन्होंने। हमने जनाब टिकट्स ली थी वीआर कार की और अनस ने खेलना था वीआर क्रिकेट, तो उसके साथ हमें कुछ झूले जो थे वो फ्री में मिले थे जिसमें ये ट्रेन भी शामिल है। चलो इसको चलाओ, ज्यादा से ज्यादा मारने हैं, चलाओ चलाओ मारो मरेंगे। ये चलो
तू कौन है? तोड़ सरी पकड़ लेगा। चलो भाई तोड़ तोड़ चलो बको ना ये मजे का था। चलो शुक्र मिल गई है। पूछ लो कितनी घर जाने वाले थे वापसी, तो रास्ते में नज़र आ गई मुझे कॉर्न। कॉर्न ना खाया तो फिर क्या जिया तो यहाँ पर जनाब हमने कॉर्न ट्राई की, ये इम्तियाज़ वाली कॉर्न समझ के हम लोगों ने ट्राई की है, लेकिन इम्तियाज़ की बहुत अच्छी है। इसके प्राइस बहुत उससे तो कम ही थे, लेकिन घटिया तरीन इसकी कॉर्न थी। मतलब पता नहीं, ख़राब भी नहीं लग रही थी कि बासी हो, वो भी नहीं थी, लेकिन अजीब टेस्ट तक बिल्कुल भी टेस्टी नहीं थी। बिल्कुल ट्राई मत कीजिएगा, एडवेंचर वर्ल्ड के सामने ही इसकी ये स्टॉल लगा हुआ है और नहीं अच्छी, बिल्कुल भी नहीं अच्छी, जायका बहुत ख़राब था इसका। अच्छा जी, ये अनस की पैक हो गई है, चिकन मसाला और नहीं चिकन वाली सिंपल चिकन और सॉल्ट। ये मेरी सुपर मसाले वाली चटपटी सी, अब हम बैठ के खाएँगे और साथ साथ इसकी बक्तोयाँ करेंगे कि ये बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है। तो ये था जनाब मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। और हम लोग घर से सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म लेने निकले थे, यकीन करें सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म लेने निकले थे। बिल्कुल भी प्लान नहीं था कि हम लोग एडवेंचर वर्ल्ड जाएंगे या मीकॉन्ग जाएंगे। सिर्फ हाँ खाने का प्लान ज़रूर था, लेकिन ये नहीं कि हम लोग मीकॉन्ग जाएंगे, ये तो रास्ते में प्लान बन गया हमारा। वैसे भी काफ़ी अर्से बाद हम लोग इस तरह आउटिंग पर निकले हैं, टाइम ही नहीं मिलता। रमज़ान वैसे भी बहुत बिज़ी निकलता है, बहुत बिज़ी गुजरता है, और बस बस अब जब निकले हैं तो सोचा कि अब एडवेंचर करके ही जाएंगे वापस। तो ये था जनाब मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दे इजाज़त नेक्स्ट वीडियो तक। और जो जो भी नए लोग देखने वाले हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने प्यारों के साथ शेयर भी किया करें। और जनाब क्या कहना था मुझे, लाइक कर दिया करें यार, कॉमेंट भी नहीं करते आप लोग, मुझे बताएँ क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय। Boy